अखिल भारतीय वर्ष गौड़ महासभा द्वारा तहसील मुख्यालय पर किया गया जोरदार प्रदर्शन। जी हां, दरअसल जौनपुर जिले के किराकत तहसील मुख्यालय पर आज अखिल भारतीय वर्ष गौड़ महासभा द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन गौड़ जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र की मांग को लेकर किया गया। इसमें एक विशाल जुलूस जौनपुर जिले के किराकत तहसील मुख्यालय पर अखिल भारतीय वर्ष गौड़ महासभा द्वारा निकाला गया। किराकत रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होकर उपजिलाधिकारी किराकत कार्यालय तक पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो गया। गौड़ महासभा के उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष का कहना है कि गौड़ समाज के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, जिससे गौड़ समाज के लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। प्रदर्शन किया है, इसके लिए हम भी आभारी हैं आपके। हम जिला वाराणसी की इकाई की तरफ से और प्रदेश संगठन समय हम प्रदेश संगठन के उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री की हैसियत से आप लोगों को दोबारा धन्यवाद देते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इसी जोश खरोश के साथ निरंतर अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। हम आपके उस 4 साल के आंदोलन में भी बराबर भागीदारी करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। हमने कहा था, जिस तरह से हमने बनारस की धरती पर 18 दिन के अनशन से वो जिला समिति गठित कराई थी, आज उसी समिति के आधार पर आप देख सकते हैं, एक है अभी हमारी फाइल में यही पड़ी हुई है, लोकाल राम गोल के नाम से एक समिति गठित की गई है, उसमें संस्कृति है, उसके आधार पर आज बनारस में जारी हो रहा है। महासभा उत्तर प्रदेश, हम आज किराकत तहसील में संवैधानिक अधिकारों को लेकर के गौड़ जाति को जनजाति का प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि 2003 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने 13 जनपद में गौड़ जाति को अनुसूचित जनजाति में परिभाषित किया था। समय समय पर उत्तर प्रदेश शासन ने भी जात प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी महोदय ने भी आदेश जारी किया है। डबल बेंच का हाई कोर्ट का फैसला भी है कि गौड़ जात को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए, लेकिन किराकत तहसीलदार के मनमानी रवैये को लेकर के हम लोग आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक प्रमाण पत्र जारी नहीं हो जाएगा हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं।